हाँ जी लाइक्ड इट ओके रवि सबसे पहले गाने के बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे बहुत अच्छा गाना बनाया है आपने रूबरू क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में मैं क्या बताऊँ हमने तो अपना काम कर दिया अब आप बताइए गाने के बारे में आपको कैसा लगा सर हमें तो बहुत अच्छा लगा आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला ये बताइए अभी तो आपके सामने ही गाना लॉन्च हुआ है आई वॉज इनसाइड यू नो विद यू सो आई एम वेरी ईगर टू सी द रिस्पॉन्स एंड मे बी स्टेप आउट एंड देन आई शैल गेट टू नो दैट व्हाट द रिस्पॉन्स टू द सॉन्ग इज मगर अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है तो मेरी उम्मीद है कि बाकियों का भी जो है ऐसा ही होगा कुछ हाँ मतलब इन दैट सेंस इनफैक्ट गाना भी जो है वो पहले आ चुका है तो लोगों ने ऐसा नहीं गाना नहीं सुना है सो द वीडियो इज़ एन एडिशनल काइंड ऑफ मोमेंटम टू द सॉन्ग बट द सॉन्ग हैज़ ऑफ कोर्स कम आउट बिफोर सो पीपल हैव हर्ड द सॉन्ग एंड द रिस्पॉन्स टू द सॉन्ग वॉज वेरी गुड विच इज़ वाई वी डिसाइडेड टू काइंड ऑफ गो अहेड विद द वीडियो नर्वस थ्रू आउट टिल द लास्ट यू नो फ्रेम सो जैसा मैंने कहा कि मतलब एक रात पहले जो है जब मतलब आई वॉज गोइंग टू लीव फॉर 40-45 डे आउटडोर स्केड्यूल तो एक दोस्त से रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से मैंने जो है एक रिकॉर्डिंग करके सब लोगों को एक सैम्पल सुना दिया एक बार सब लोगों को मैंने बता दिया कि भैया ये देख लो अभी अब भी सट्टा खेलना है इसके ऊपर जब सब ने बोला ओके तो मैंने चलो ठीक है लेट्स ट्राई इट आउट क्या ज़्यादा टफ मानते हैं एक्टिंग करना है गाना करना कोई भी चीज़ जब पहली दफ़ा करते हैं आप तो डेफिनेटली टफर है सो फॉर मी सिंगिंग इज़ 100% मोर टफर यू नो इनफैक्ट यू नो आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स ऑडियंस के सामने आने में मुझे एक मतलब जो झेप निकल गई थी इतने साल पहले वो एक दफ़ा वापस आई एम फीलिंग दोज रॉ काइंड ऑफ एनर्जी बटरफ्लाइज इन द स्टमक सो इट्स काइंड ऑफ गुड इन अ वे इट्स वेरी गुड यार We must say that you have a very good vocal. Like we love the song, and hopefully everyone will love the song because it's a pyara gana hai. Thank you. Nia ke saath aap kaam kar chuke hain, but yeah. Nia ne jab aapka gana suna tha ki you have such a beautiful vocal, unka kya reaction tha? निया से पहले मैंने निया की मॉम को सुनाया था गाना सो एज फार एज आई रिमेंबर वी वर इन पांडिचेरी और मैंने निया की मॉम को गाना सुनाया था सो शी वाज वेरी हैप्पी एंड यू नो सो शी वाज लाइक अरे वाह क्या बात है एंड एवरीथिंग एंड देन आई मेड निया सो निया आल्सो रियली अप्रिशिएटेड द फर्स्ट टाइम शी हर्ड द सॉन्ग उसको भी पहले मैंने स्क्रैच ही सुनाया था सरगुन इज मैंने उससे ज़्यादा मेटिकुलस लड़की मतलब आई थिंक वो यू नो शी कैन डू एवरीथिंग अंडर द सन and she can multitask like no other so matlab we have kind of you know I'm glad that I you know we are each other's in that sense we are each other's pillar so okay apart from this khatron ke khiladi fir se aane wala hai aap khatron ke khiladi ke part reh chuke kitne excited hai is season ke no it's a beautiful season and it's a beautiful show whatever makes you challenge your limits is always a you know it's a wonderful phenomena to jo bhi cheez aapko challenge karne pe majboor karti hai yani ki aapko expand होते हुए देखना चाहती है वो चीज़ तो सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी इनफैक्ट मुझसे कोई पूछता है कि वो शो करें ना करें कई बार लोगों के फ़ोन आते हैं क्योंकि मैंने किया हुआ है तो मैं उनको बोलता हूँ डोंट इवन थिंक अबाउट इट क्लोज योर आईज एंड जंप इनटू इट जस्ट टेक द प्लंज पटेल इज अ वेरी वेरी थिक फ्रेंड ऑफ माइन बहुत करीबी दोस्त है मेरा तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा उसके लिए मुझे पता नहीं आई वुडंट नो बट या बेस्ट विशेस टू ऑल माय फ्रेंड्स हु आर देयर पहले आई वांट देम टू फॉलो रूबरू या सो या सो आई मीन दीज आर प्रोजेक्ट्स एंड शोज दैट लाइक आई सेड चैलेंज योर लिमिट्स सो ऑल द बेस्ट टू हूएवर इज ट्राइंग इट आउट चंदू के चाचा ने चले तो मेरे को 8 बार ही रिहर्स करके आना पड़ेगा फिर तो ठीक है आप मुझे दो एक आधा घंटा ओके सो गिव मी हाफ एन आवर उसके बाद फिर से एक जनता बाइट लेते हैं फिर सुनाता हूँ मैं आपको थैंक यू रवि माय प्लेजर मैम सी सब बैठ सब Thank you, sir.